अरे ये लड़की कहाँ गई? मालती जी, ये लड़की कहाँ गई कुछ पता है आपको? अरे ये लौटी नहीं अभी तक। एक आधा घंटे पहले मैंने उसे जाते हुए देखा था। मैं समझी शायद टॉयलेट जा रही है। फिर मैं सो गई, ध्यान में नहीं आया कि वो नहीं लौटी। रंजना, ये पेशेंट का चार्ट खाली क्यों है? डॉक्टर, पेशेंट के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला, उसने अपना नाम तक नहीं बताया। एक काम करो, जाके बाहर सब जगह देखो, कहीं बेहोश होके वो लड़की कहीं गिरी ना हो। आशीष, आशीष। हाँ, क्या हुआ रंजन? कोई नया केस? नहीं, तुझे वो लड़की याद है जो यहाँ बैठी थी और मैं उसे जनरल वार्ड लेकर गई थी? हाँ, क्या हुआ उसको? वो अपने बेड पर नहीं है, हॉस्पिटल में हर जगह देखा, कहीं नहीं मिली। तूने देखा क्या उसे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। डॉक्टर, मुझे लगता है कि वो सुन बोल नहीं सकती, तभी मेरे इतने पूछने के बावजूद उसने अपना नाम नहीं बताया। और मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि उसे थोड़ी दिमागी प्रॉब्लम है। तुम उसे रिसेप्शन से जनरल वार्ड लेके आई थी, राइट? जी। लेकिन रिसेप्शन तक उसे कौन छोड़ के गया था? वो तो पता नहीं डॉक्टर, लेकिन मैंने जब उसे देखा तो एक कोने में बैठी थी। ए लड़की, तू यहां क्या कर रही है? तेरा नाम क्या है बोल। डॉक्टर, वो कुछ बोली नहीं तो मैं एडमिशन फॉर्म और मेडिकल चार्ट नहीं बना पाई। जनरल वार्ड में एक बेड खाली था तो मैंने लेटा दिया। रंजना, तुमने मुझे तब का तब इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? डॉक्टर, आप मेल वार्ड में राउंड पे थे और ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी। उसके पैरों पर बस खरोंचे थी और देख के लग रहा था जैसे भीख मांगती हो, बस भटकते हुए आ गई होगी। खैर, उसका जो भी बैकग्राउंड रहा होगा, मुझे पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। After all, हमारे हॉस्पिटल से वो गायब हुई है। सलमा रेडी? हाँ हाँ, रेडी हूँ। चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, हमेशा खुद ही तो जाती हूँ डॉक्टर के पास। मैं मैनेज कर लूंगी फिरोज। ठीक है सलमा, ऑटो तक छोड़ देता। राकेश, कैसे हो? बस आपकी दुआ है सलमा जी। आप बताइए, क्या कह रही है आपकी पीठ? अरे दर्द बढ़ गया है, ये डॉक्टर ने नया ऑइंटमेंट लिखा है। ऑइंटमेंट का सिर्फ तुम्हारी फ्रॉक में ये खून के धब्बे हैं, क्या हुआ है? नाम क्या है तुम्हारा? ठीक तो हो तुम ना?
राकेश भाई। हाँ सलमा जी। क्या हुआ इस लड़की को? नहीं, वो तो आती जाती रहती है, कभी कभी यहाँ बैठ जाती है। इसकी फ्रॉक पर खून के धब्बे हैं, पर कुछ बता नहीं रही है। कैसे बताएगी, वो बोल नहीं पाती है। देखिए ना, थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही? अच्छा, आप एक सैनिटरी पैड देना। क्या अभी, वो कुछ नहीं समझती है, पागल है। हम तो समझते हैं ना, दीजिए आप। डरो मत, जानती हूँ ये क्या है, लगा लो। अच्छा, भूख लगी है तुम्हें, खाओगी कुछ? डॉक्टर छाया, इसके पैरों पर घाव के निशान हैं और फ्रॉक पर खून के धब्बे, पीरियड्स के हो सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाई शायद। कहाँ से आई हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? कि ये बोल नहीं पाती। मैं इसे एडमिट करवा देती हूँ और इसके घाव की ड्रेसिंग भी करवा देती हूँ। बेचारी को तो पता भी नहीं है कि ब्लीडिंग हो रही है। जी डॉक्टर। रंजना, इसे एडमिट करवा दो और इसके पैरों के घाव को क्लीन करके ड्रेसिंग भी करवा दो। ये बोल नहीं सकती है। जी मैम। अरे मैम, मैं तो इसे जानती हूँ। अच्छा, कौन है ये लड़की? वो तो पता नहीं, लेकिन 2 महीने पहले इसे कोई रिसेप्शन पर छोड़कर गया था और मैंने इसे एडमिट भी करवाया था। तब भी इन्हीं कपड़ों में थी और ऐसे ही जख्म थे। तो फिर तब इसकी ट्रीटमेंट क्यों नहीं? मैम, ये वार्ड से भाग गई थी और क्योंकि ये बोल नहीं सकती, इसलिए इसके डिटेल्स नहीं थे हमारे पास। डॉक्टर देवेंद्र ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था। आप प्लीज इसे दोबारा एडमिट कर लीजिए, बहुत तकलीफ में है ये। 2 महीने से वही कपड़े, वही घाव। इसे इमीडिएटली वार्ड में एडमिट करवा दो और डॉक्टर देवेंद्र को कहो इसे अटेंड करने के लिए। चलो, और अब की बारी भागना मत। सलमा जी, आगे हम संभाल लेंगे। मैं आपको फोन करूंगी। बच्ची है बेचारी, 16-17 साल की होगी, किसी गरीब फैमिली से लगती है। सलमा जी, मैंने कहा ना, हम संभाल लेंगे। अब बाहर बहुत भीड़ लगी है, मुझे और पेशेंट्स को भी देखना है। तो अभी भी मालूम नहीं चला है। जो औरत उसे लेकर आई है वो डॉक्टर छाया की पेशेंट है। हॉस्पिटल के बाहर उन्हें मिली तो वो डॉक्टर छाया के पास लेकर आई, लेकिन सर 2 महीने पहले के जख्म अभी भी वैसे ही हैं और उसके फ्रॉक पर वही खून के धब्बे हैं जो अब है। अरे ये कहां चली गई? सर, मैं यही लेटाकर आपके पास आई थी, कहीं फिर से तो नहीं भाग गई? नहीं, हॉस्पिटल में कहीं नहीं है। दूसरी बार लड़की बेड से उठकर गायब हो जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे क्या मालूम मैम। आपकी वो पेशेंट जो बच्ची को लेकर के आई थी वो कौन है? सलमा अख्तर नाम है उसका, स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट करवा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्ची उनके पीछे पीछे ही चली गई हो? नहीं डॉक्टर, वो मेरे साथ तो नहीं आई, और ऐसे जा कहां सकती है वो? आपने हॉस्पिटल में ठीक से चेक किया ना? जी सलमा जी, हमने सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं। डॉक्टर छाया, वो तकलीफ में लग रही थी, उसे मदद की जरूरत थी। समझती हूँ सलमा जी, पर पता नहीं कैसे हमारे हॉस्पिटल से वो 2-2 बार गायब हो गई। आप लोगों ने कहा था संभालेंगे उसे, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके फ्रॉक में खून के धब्बे थे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आई एम सॉरी सलमा जी, हम पुलिस कंप्लेन लॉन्च करेंगे। पुलिस वाले भी लास्ट टाइम यही कह रहे थे कि कोई नाम नहीं, फोटो नहीं, डिटेल नहीं, ऐसे कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस बच्ची को ढूंढ लेंगे? इस बार तो लापरवाही की हद हो गई रंजना। पूरा वार्ड भरा हुआ है, मुझे दूसरे पेशेंट्स को भी देखना होता है। रंजना, लेकिन एक बार ऐसा हो चुका था तो दूसरी बार हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। वो लड़की मानसिक रूप से कमजोर थी, शायद भिखारन थी, इसीलिए 2-2 बार गायब होने से इस हॉस्पिटल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी जगह अगर कोई और होता तो हल्ला मच जाता, हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाती। तुमसे थोड़ी सी ही उम्र उसकी ज्यादा होगी रुबीना, पर बच्ची थी वो। सलमा, हॉस्पिटल ले जाने की बजाय चाइल्ड सपोर्ट सेंटर में फोन कर देना था। मेरे पास उनका नंबर ही नहीं था, और सच कहूँ फिरोज, मुझे उस वक्त उनके बारे में सूझा ही नहीं। अम्मी, उस लड़की के कोई ना कोई घर वाले जरूर होंगे,
वो घर चली गई होगी और वो लोग इसकी टेक केयर करेंगे। काश ऐसा होता बेटा, पर मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। फिरोज, मुझे लगता है कि उसका कोई है ही नहीं। वो मेडिकल शॉप वाला कह रहा था कि वो बच्ची कई दिनों से उसकी दुकान के बाहर बैठी रहती थी अकेली, और नर्स भी कह रही थी कि उसने 2 महीने पहले जब उस लड़की को देखा था उसने वही फ्रॉक पहनी थी, वैसे ही घाव थे। तो हॉस्पिटल की लापरवाही है इसमें, उन्होंने सोचा होगा इस पेशेंट से कुछ मिलने वाला नहीं है, इतना ध्यान ही नहीं दिया होगा। पर मुझे तो गिल्ट फील हो रहा है फिरोज, मुझे वहां रुकना चाहिए था कम से कम उसके ट्रीटमेंट शुरू होने तक। अब सो भी जाओ सलमा, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे तुम या मैं बदल नहीं सकते। मेरी किस्मत में उसकी मदद करना लिखा था शायद, जो मैं ठीक से नहीं कर पाई फिरोज। जितना तुम कर सकती थी तुमने किया। आजकल के जमाने में हम सबकी इंसानियत लिमिटेड है। अरे कितने लोगों ने तो उस लड़की की तरफ ध्यान भी नहीं दिया होगा। सो जाओ। क्या ये मेरी किस्मत थी या उस बच्ची की, जो वो मेरी नजर में आई, मैं उस तक पहुंची, उसके लिए फिक्र महसूस की, और अब उसके हाल को लेकर परेशान हूं। 2 अजनबियों की जिंदगियां इस तरह से कैसे बन जाती हैं? ये किस्मत का खेल एक इत्तेफाक है या फिर कायनात का कोई दस्तूर है? कैसी हो तुम? हॉस्पिटल से क्यों भाग गई? साथ चलोगे मेरे? इलाज कराऊंगी तुम्हारा, ठीक हो जाओगी तुम। चलोगी? बच्ची हॉस्पिटल से गायब हुई थी वो मुझे फिर से मिल गई। मैंने बोला था ना किस्मत का लिखा कोई नहीं रोक सकता। चाइल्ड सपोर्ट सेंटर का नंबर दूं? अरे बात हो गई है मेरी, मैं इस बच्ची को लेकर उनके ही ऑफिस जा रही हूँ। सलमा जी, आपने इसे यहाँ लाकर बिल्कुल सही काम किया है। वैसे इसके परिवार वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? जी नहीं, पर मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है बच्ची की देखभाल। इसके पाँव में घाव है और मुझे लगता है कि इसके पीरियड्स भी चल रहे हैं। हमारी एक कंसल्टिंग गायनेक है, वो बस आती ही होंगी, वो इनिशियल एग्जामिनेशन कर लेगी तो पता चल जाएगा। मैं इसके लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हम अरेंज कर लेंगे। आप इसे यहाँ तक ले आए यही बहुत बड़ी बात है। खुशबू जी, आपकी कंसल्टिंग गायनेक कभी पहुंची नहीं? पहुंचती होगी, आप बैठिए ना। सलमा जी, जिस अटेंडेंट ने लड़की के कपड़े चेंज किए उसने कहा कि लड़की पीरियड में नहीं है। पर उसकी फ्रॉक में तो खून के धब्बे हैं, आपने भी तो देखे हैं। हाँ देखे मैंने, वैसे तो डॉक्टर आके एग्जामिन करेगी तभी कुछ कन्फर्म पता चल पाएगा, लेकिन अटेंडेंट कह रही थी कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव है, गहरे घाव। हेलो बेटा, मेरा नाम रितु है।
आपका नाम क्या है? मैं सिर्फ एक बार तुम्हें चेक करूंगी, फिर आप अच्छी चीजें मंगाएंगे खाने के लिए, शरबत मंगाएंगे। कुछ नहीं, आराम से, डरो मत, ये डॉक्टर आंटी तुम्हें ठीक कर देंगी, एकदम दर्द वर्द नहीं होगा, बस थोड़ी देर लेट जा। लेट जा बच्चा, संभाल के। हम सब तुम्हारे दोस्त है, दोस्त समझती हो ना? मैं सिर्फ एक बार तुम्हें चेक करूंगी, ठीक है? खाना आ रहा है? आराम से खाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब। डार्क पीरियड्स के खून के नहीं है, उसका रेप हुआ है और बहुत बुरी तरह से रेप हुआ है। ये आजकल में नहीं, शायद काफी दिन पहले हुआ है, लेकिन घाव अभी भी है। तो अब ये पुलिस केस बनता है? हाँ बिल्कुल, और अननेचुरल रेप हुआ है। बेचारी बोल भी नहीं पाती है, किसी को बता भी नहीं पाई होगी। खुशबू, इसमें तुरंत पुलिस को इन्वॉल्व कर लो, और हाँ एक साइकियाट्रिस्ट को भी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये लड़की सुन सकती है और शायद बोल भी सकती है, लेकिन शायद इस हादसे से लगे शॉक की वजह से वो खामोश हो गई है। और हाँ, तुमने नोटिस किया होगा काफी बॉडी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम भी है, शायद बचपन से हो, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल एग्जामिनेशन करनी होगी। हमारे सेंटर की कंसल्टिंग साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर परोमिता अस्थाना, वो उसे ऑब्जर्व कर रही है, उन्होंने कहा है उन्हें एक दिन और लगेगा। पर रेप हुआ है लड़की का, ये बात कंफर्म है? जी सर, हमारे सेंटर की कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर ऋतु भारद्वाज, वो अपनी रिपोर्ट भेजने ही वाली है। डॉक्टर, लड़की ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, मतलब कुछ भी नहीं बोला। मैडम, जब मुझे एक हफ्ते पहले मिली थी तो मैंने इसे बाबूराम चौधरी जनरल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, तब भी ये कुछ नहीं बोल रही थी। सलमा जी, चूंकि लड़की के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो जब तक उसकी फैमिली ट्रेस नहीं हो जाती है, आपको कंप्लेनेंट बनना होगा, शिकायत आपके नाम पर दर्ज की जाएगी, ये मंजूर है आपको? मंजूर है सर, बस इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। दो दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता लगा है कि पेशेंट को माइल्ड सेरेब्रल डिसकोऑर्डिनेशन है। अब ये बर्थ से भी हो सकता है या फिर किसी ब्रेन इंजरी की वजह से, और हाँ उसके मोटर रिफ्लेक्सेस भी अफेक्टेड हैं। डॉक्टर, क्या लड़की बोल पाती है? क्या अपना नाम बताया है? देखिए, अभी फिलहाल तो वो कुछ नहीं बोल पा रही है, लेकिन हाँ वो डेफिनेटली सुन तो सकती है। फिलहाल तो वो ट्रॉमा की वजह से शॉक में है और मुँह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो लड़की हमें अपना नाम और एड्रेस बता सके? देखिए, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगेगा, चांसेस है कि वो बोल पाए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि सेरेब्रल डिसकोऑर्डिनेशन की वजह से उसकी स्पीच शायद इतनी क्लियर ना हो। इनफैक्ट कल जब मैं उसे दवाई देने गई थी तो उसे कुछ आवाज़ निकालने की कोशिश की थी। चलो बेटा, दवाई खा लो। दवाई तो लेनी पड़ेगी, चलो मुंह खोलो। कल पहली बार मैंने उस बच्चे की आवाज़ सुनी, आई बिलीव कि वो दोबारा बोल सकेगी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए डॉक्टर? सबसे पहले हमें एक ऑसिफिकेशन टेस्ट कराना होगा, जिससे हम बच्चे की एज डिटरमिन कर सकें। देखने में तो बच्ची छोटी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्ची बालिक है। पता नहीं कहाँ से आई होगी ये बच्ची। डेफिनेटली लोअर स्ट्रैटस है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होंगे और उसकी कॉम्प्लेक्स मेंटल कंडीशन को समझ नहीं पाए होंगे, जैसा आमतौर पर होता है, कॉमन पब्लिक भी नहीं समझ पाती है, और हर मेंटल इलनेस को एक शब्द पागल में लपेट लेते हैं। किसी तरीके से उस लड़की से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो निकलवानी होगी,
हल्का सा ही सही, पर कोई तो इशारा चाहिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। इस बच्ची से इन्फॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं। मैं इन दो यंग गर्ल्स को जानती हूँ, निधि और अवंतिका, दोनों स्पेशलिस्ट हैं। इनफैक्ट वो ऐसे ही पेशेंट्स के साथ डील करती हैं। अगर उनकी मदद से इस बच्ची की रिकवरी हो सकती है और इस बच्ची की फैमिली और गुनहगारों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो वाई नॉट। सर उनका जो भी कॉस्ट होगा मैं पे करूँगी। नहीं सलमा जी, अब ये सारे कॉस्ट चाइल्ड सपोर्ट सेंटर ही बेयर करेगा। इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने भी इतनी घिनौनी हरकत की है इस बच्ची के साथ उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सर मैं आपकी कंप्लेनेंट हूँ, आपसे जो भी बन पड़ता है आप कीजिए इस बच्ची के गुनहगार को पकड़ने के लिए। ये हमारे सबसे मुश्किल केसेस में से एक था। हमारे पास विक्टिम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी सिवाय इस बात के कि उस पर जुर्म हुआ था। ये दोनों लड़कियां निधि जोशी और अवंतिका सोलंकी उस भयंकर जुर्म से जुड़ी जानकारी निकलवाने में एक अहम भूमिका निभाने वाली थी। और एक औरत जिसका विक्टिम से कोई पर्सनल रिश्ता नहीं था, वो इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए हर लकीर पार करने को तैयार थी। हमारे इर्द गिर्द या फिर कहीं दूर इस लड़की के गुनहगार को इस बात का पूरा इत्मीनान था कि उसका यह संगीन जुर्म कभी रोशनी में नहीं आएगा। नाम और डिटेल्स जब आएंगे तब आएंगे, फिलहाल हमारे पास ये फोटो तो है, घुमाते हैं पूरे जोधपुर। सर कपड़ों से लड़की किसी गरीब तबके की लगती है, हम केस की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। और सर मैं सारे मिसिंग कंप्लेंट छानना स्टार्ट करती हूँ। हालांकि सर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई होगी, लड़की घर वालों ने उसे खुद छोड़ दिया होगा। इस वक्त इसके माँ बाप, इसके रखवाले, सब कुछ हम ही, किसी भी सूरत में हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे और ना ही इसके गुनहगार को छोड़ेंगे। कॉपीज बनवाओ, पोस्टर बनवाओ, जोधपुर में एक भी गली ऐसी नहीं छूटनी चाहिए जहां पर इसका पोस्टर ना लगा। मैं निधि हूं और मेरा नाम अवंतिका। सुबह से तुमने कुछ खाया? कुछ खाया? क्या खाया? पोहा। अच्छा जैसे मेरा नाम निधि है, इसका नाम अवंतिका है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चलो हम ही इसी को कोई नया नाम दे देते हैं ना। क्या नाम दे? तुम्हें कोई नाम पसंद है? जैसे श्रुति, आरती? नहीं नहीं, आशा। आशा नाम सही है? हाँ। पसंद है तुम्हें आशा? ठीक है, फिर आज से हम तुम्हें आशा बुलाएंगे। ठीक है। अच्छा तुमने सुबह से और क्या क्या किया? अच्छा सुनो अभी हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। आशा आशा के ऑसिफिकेशन टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। उसकी एज इस वक्त 22 की है। पर वो लगती तो 16-17 की ही है। वो शायद उसकी बीमारी की वजह से, लेकिन है तो बालिक। अभी तक बोली कुछ हो? अवंतिका और निधि बात कर रहे हैं। कुछ बोली तो नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर सुनती है, समझती है और रिएक्ट भी करती है। कपड़ों पर लगे ब्लड स्टेन्स को मैंने आइसोलेट कर लिया है, ये आशा कही है। लेकिन कल्प्रिट के सीमेन स्टेन्स मुझे फ्रॉक पर कहीं नहीं मिले। एंड ये है हमारा सेकेंड एनालिसिस, और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक फोर्सफुली, जबरदस्ती, अननेचुरल रेप हुआ है। बट ये रीसेंट नहीं है इंस्पेक्टर, इस हादसे को कम से कम 2-3 महीने हुए। हमने पूरा जोधपुर स्कैन किया लेकिन कोई क्लू नहीं है कि ये लड़की कौन हो सकती है। सर शायद आशा जोधपुर की हो ही नहीं, कहीं बाहर की हो और यहाँ लाकर उसे कुछ छोड़ के आओ। अश्विन कहीं बाहर मतलब? पूरा हिंदुस्तान है सर, हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे और कैसे?
आशा, ये हमारे जोधपुर के सबसे फेमस रेस्टोरेंट का डब्बा है। देखो ना कितनी सारी सब्जियां, ये रोटी, दाल, पापड़, टेस्ट करो। अच्छा है। तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कोई ऐसे फेवरेट डिश जो मैं तुम्हारे लिए मंगवा सकूं, जो तुम्हारे घर में बनती हो? कुछ मीठा या कोई खास सब्जी? अच्छा आशा, तुम शाकाहारी हो या फिर नॉनवेज भी खाती हो, जैसे चिकन, मटन? पुलाव या बिरयानी? बिरयानी, तुम्हें बिरयानी पसंद है? मुर्ग बिरयानी रायते के साथ? आशा, ये सारा सिर्फ तेरे लिए है, आराम से खा। हम अभी भी तुझे आशा ही बुला रहे, अब तो अपना असली नाम बता दे। अच्छा ठीक है बाद में बताना, अभी आराम से खा ले। ओके सलमा जी, 3 दिन से चिकन बिरयानी बनाकर ला रही है और ये आशा पूरा का पूरा खा लेती है, दोनों टाइम खाती है खुशी खुशी। उससे बहुत हेल्प नहीं मिलेगी निधि, चिकन बिरयानी कोई प्रूफ नहीं है लड़की के मुसलमान होने का। मैडम वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रही है, हमने उससे नाम भी पूछा, वो बताने की भी कोशिश कर रही है, क्लियरली नज़र आ रहा है, बस थोड़े टाइम में बोलेगी। तो क्या हम डायरेक्टली रेपिस का नाम नहीं पूछ सकते उससे? नहीं नहीं मैडम, अगर ऐसा किया तो इतने दिनों की सारी मेहनत पानी में जाएगी, वो फिर से सिकुड़ जाएगी। देखो तुम दोनों काफ़ी कोशिश तो कर रहे हो आशा से कुछ बुलवाने की, पर क्या श्योर हो कि आशा कुछ बोलेगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कभी कुछ बोले ही ना। शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इस वक्त आशा को इंसाफ दिलाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे नॉर्मल कंडीशन में लाया जाए, उसकी हालत काफ़ी नाजुक है मैडम। हम केस सॉल्व करने की जल्दी में आशा के साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते। हम दूसरे केसेस में जुट गए। आशा के केस में बस यही एक आशा थी कि वो कभी ना कभी बोलेगी। हम हमारी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करते रहे आशा की असली आइडेंटिटी पता करने की। हर बीतते हफ्ते के साथ आसार कम लगने लगे थे कि केस आगे बढ़ेगा, पर कायनात का दस्तूर फिर अपना काम कर गया। किस्मत ने इस केस को एक सुराग दे दिया। आशा, हमने खुशबू दीदी से पूछा था कि क्या तू हमारे साथ रह सकते कुछ दिन के लिए, और उन्होंने कहा हाँ। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सुबह माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, वो वहीं पे खेलते हैं, तो हमारे साथ चलेगी? और सलमा जी भी कह रही थी कि वो तुझसे मिलने आएंगी रोज। अच्छा आशा, तेरे घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा, भाई तो होगा, बहन? तुझे याद आती है उनकी? अच्छा तू जोधपुर से नहीं है ना आशा, कहाँ से है तू? आशा, इस किताब में बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं अलग अलग जगह की। इसमें से तुम्हें जो भी जगह याद रहे ना, उसके बारे में हम कल तुमसे पूछेंगे, ठीक है? बाय आशा। अरे वाह, तुम चाहती हो कि हम रुक जाएं, लेकिन आज समय नहीं है, कल पक्का रुकते हैं। ओके रुक रुक रुक, आज टाइम नहीं है इसलिए प्लीज कल रुक जाएंगे ना देर तक? नि, 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 नि,
रुखसार, अरे वाह, तुम्हारा नाम रुखसार है? ये तो बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा रुखसार, जैसे मैं और अवंतिका जोधपुर से हैं, वैसे तुम कहाँ से हो? घर कहाँ है तुम्हारा? सर, सर फाइनली आशा बोली, उसका असली नाम रुखसार है। सुपर, अब हमारा सर्च ऑपरेशन मुस्लिम कम्युनिटी में होगा। सर जोधपुर के सारे मुस्लिम इलाकों में लड़की के पोस्टर लगे, अब बस फेस को एक नाम मिलेगा, पर उससे कितना फर्क पड़ेगा? शायद वो जोधपुर से है ही नहीं। ये दोनों लड़कियां निधि और अवंतिका अच्छा काम कर रही हैं, ये जरूर आशा से रुखसार से कुछ ना कुछ बुलवा लेंगे। माँ बाप भाई बहन घर का पता कुछ ना कुछ जरूर रुखसार बताएंगे। सुनकर बहुत खुशी हुई, अपना नाम बोला बच्ची ने, सच में खुशी की बात है। अब हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि रुखसार हमें अपने बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएगी। ये रहा राजस्थान और ये रहे बाकी के राज्य। तुमने कभी इंडिया का नक्शा देखा है? स्कूल गई हो कभी? और ये है हमारा जोधपुर। तुम्हें याद है रुखसार कि तुम जोधपुर में कहां से हो, घर किधर है तुम्हारा? तुम्हारा मोहल्ला जैसे कि मोमिन पाड़ा में, दरगाह गली या फिर बरकत नगर, कबीर नगर, प्रताप नगर, कोई मस्जिद याद है, कोई मदरसा, कुछ भी रुखसार, जैसे कि घर के पास कोई मैदान, कोई दुकान? रुखसार, तुझे बाहर से कोई जोधपुर लेकर आया था ना, कैसे आई थी तू? ट्रेन से, बस से? ऑटो? तुम ऑटो रिक्शा में आई? कहाँ से आई ऑटो रिक्शा में और कौन था तुम्हारे साथ? आपा। आपा, अब उर्दू में बड़ी बहन को आपा बोलते हैं। आपा यानी तुम्हारी बड़ी बहन है, उनके साथ आई तुम ऑटो रिक्शा में? सलमा? सलमा जी को आपा कह रही हो? आपा। लेकिन रुखसार, सलमा आपा तो तुझे यहाँ लेकर आई ना, सेंटर में, तुझे जोधपुर कौन लेकर आया? तू कहाँ से है? ये देख, जयपुर, नागौर, नहीं अजमेर, या फिर तू जोधपुर से ही है? ये देख, यहीं से है। तुझे पढ़ना आता है रुखसार? स्कूल गई थी कभी तू? रुखसार, और भी जगह हैं, ये देख, जैसलमेर, बीकानेर। बीकानेर या जैसलमेर? जैसलमेर। तुम जैसलमेर से हो? जैसलमेर है ना, वही जहाँ वो बड़ा वाला किला है, वही ना? जैसलमेर। जोर तो वो जैसलमेर पर दे रही है, पर हम अभी भी कुछ पक्का नहीं कह सकते। जैसलमेर में किसी जगह की बात की तुमने उससे? किले के बारे में पूछा, पर एकदम ब्लैंक।
जैसलमेर की फोटोज भी दिखाई पर नो रिस्पॉन्स। कोई बात नहीं, हम जैसलमेर की स्कैनिंग शुरू करते हैं। तुम दोनों भी रुखसार से बातें करती रहो और गहरे तक जाओ। रुखसार का हर शब्द हमारे लिए कीमती है। रुखसार क्या है? खान अहमद वगैरह कुछ बताया उसने? अपनी फैमिली के बारे में कुछ बोला उसने? जी नहीं, वो बहुत स्लोली रिएक्ट करती है। पर एक गुड न्यूज है सर, वो एक से ज्यादा शब्द बोल रही है जिससे क्लियर है कि वो बात कर सकती है। चांस लेते हैं अश्विन, अब यहाँ तक आ गए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। जैसलमेर में टीम्स एक्टिवेट करो। यस सर। ये शक्ल पहले कहीं देखी हुई लगती है, पर याद नहीं आ रहा है कि ये कौन है। याददाश्त पे थोड़ा जोर दीजिए। लड़की जोधपुर में मिली है और दिमाग से थोड़ी स्लो भी है, सिर्फ इतना ही बोल पाती है उसका नाम रुखसार है। मैंने ना इसे कहीं ना कहीं बैठे हुए देखा है, किसी सड़क पर या फिर दरगाह पर। शायद ये भीख मांगती है। अगर उसे धुंधला सा भी याद है कि लड़की भीख मांगती थी तो जैसलमेर के भिखारिया माफिया के सरदार को डंडा करो और उसे बोलो एक एक गिरोह को अच्छी तरह से छाने। बड़ी अजीब बात है सर, मैंने यहाँ हर भिखारी गिरोह को टटोला है, स्टेशन वाले, टूरिस्ट स्पॉट वाले, किले वाले। सर हर गिरोह में कोई ना कोई जरूर यह कहता है कि इस लड़की को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा और कौन है ये कोई नहीं बोल पाता सर। बाड़मेर। अब रुखसार कह रही है कि वो बाड़मेर की है। जी सर, और इस बार हमने कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं की, उसने खुद से कहा बाड़मेर। कहीं ऐसा तो नहीं कि रुखसार मेर में कंफ्यूज हो रही है? जैसलमेर, बाड़मेर। हो सकता है सर, हम खुद कंफ्यूज हैं उसके रिस्पॉन्स से। लेकिन सर जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये बाड़मेर शब्द उसकी तरफ से ही आया है। रुखसार, हम जैसलमेर में तुम्हारे घर वालों को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम बता सकती हो वो कौन सा मोहल्ला है जहां तुम्हारा घर है? स्टेशन के पास, कोई किले के पास, कोई भी शॉप, होटल हो कोई आसपास, कुछ भी। बाड़मेर। बाड़मेर? रुखसार तुम बाड़मेर से हो? लेकिन रुखसार बाड़मेर जैसलमेर में नहीं है। तुमने पहले जैसलमेर बोला था ना, वो जैसलमेर से कहीं दूर है, बहुत दूर। ये देखो रुखसार, ये जैसलमेर है और ये बाड़मेर, दोनों में बहुत दूरी है। बाड़मेर। So, तुम्हें लगता है रुखसार बाड़मेर की है? सर वो ऐसे ही बाड़मेर का नाम नहीं लेती, और हमने तो बाड़मेर कहा भी नहीं था। मुझे तो लगता है सर कि वो आजकल खुद हमारे साथ कम्युनिकेट करने लगी। रुखसार अब बाड़मेर कह रही है। जैसलमेर तो छान लिया सर, अब बाड़मेर भी छान लेते हैं। करेक्ट, हमारी तलाश तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमें रुखसार और उसके गुनहगार के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती। रुखसार की जड़ों तक पहुंचने में हम बाड़मेर तो पहुंचे थे, लेकिन हमने जैसलमेर में सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से बंद नहीं किया। हम कोई चांस लेना नहीं चाहते थे क्योंकि रुखसार ने जैसलमेर का नाम भी तो लिया था। पर इसके पहले कि हमें रुखसार की जड़ें हाथ लगती, हमारे हाथ कुछ और लगा। निधि, आज एक स्टाफ मेंबर का बर्थडे है तो सबके लिए आइसक्रीम मंगवाइए। लो। अरे वाह, हमने तो रुखसार के लिए कभी आइसक्रीम मंगाई ही नहीं। रुखसार,
रुखसार क्या हुआ रुखसार? देखो गलती हो गई, तुम्हें आइसक्रीम नहीं पसंद है ना, कोई नहीं लाएगा आइसक्रीम यहाँ पे, हटाओ आइसक्रीम, आइसक्रीम ले जाओ यहाँ से, नहीं आएगी आइसक्रीम यहाँ पे आगे से, कोई नहीं लाएगा आइसक्रीम यहाँ पे, शांत शांत अभी शांत। आइसक्रीम का कुछ कनेक्शन है, उसने ऐसा कुछ कहा कि कोई आइसक्रीम वाला था जिसने उसके? नो सर, एग्जैक्टली उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आइसक्रीम को देखकर रुखसार ने काफी वायलेंटली रिएक्ट किया है, काफी गुस्सा हो गई थी। आइसक्रीम का रेप से कोई तो ताल्लुक है, उसी कम्युनिकेशन का टेक अवे यही था। फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने और निधि ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रुखसार, तुम्हें आइसक्रीम पसंद नहीं है या फिर डर लगता है तुम्हें? बोलो रुखसार, कुछ याद आता है? फिर हमने टॉपिक छेड़ा उसके साथ रेप वाला। रुखसार, जब तुम हमसे मिली थी तुम्हारी फ्रॉक पर खून था, यहाँ पैरों के बीच घाव था, गहरा घाव, खून भी बहा था रुखसार। इसी बात से गुस्सा होना तुम? रुखसार, क्या इसलिए तुम्हें आइसक्रीम से डर लगता है? किसी ने तुम्हें आइसक्रीम खाने बुलाया, फिर गलत किया, दर्द दिया, इधर? कौन था वो रुखसार? कौन था? क्या उसने तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदी थी या फिर वो कोई आइसक्रीम बेचने वाला था? बोलो रुखसार, इशारा करो। शायद उसके मोहल्ले का कोई आइसक्रीम वाला हो। हाँ, लेकिन कौन सा मोहल्ला, कहाँ का मोहल्ला? जैसलमेर का या बाड़मेर का? अभी तक हमें ये भी पता नहीं चला है। सर, सब पता चल जाएगा, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और रुखसार झूठ नहीं बोल रही है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बना रही, वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, डेस्परेट सिग्नल्स भेज रही है, और हमें उन सिग्नल्स को मिस नहीं करना चाहिए। हाँ शुभ, बोलो। सर, ये रुखसार जो बाड़मेर और जैसलमेर का नाम ले रही है, ये सही बोल रही है? कुछ हाथ लगा क्या? जैसलमेर से खबर आई है, रुखसार के घर वाले जैसलमेर के हैं। अरे, ये पगली जोधपुर कैसे पहुंची? जानता है इसे, ये जैसलमेर की है। हाँ हाँ, यहीं की है, सब पगली पगली बोलते थे इसे, इसकी माँ है, बाप है, बहन है, जीजा है। जहाँ मैं अपनी प्लास्टिक की बोतलें रात को लगाता हूँ ना सुबह बेचने के लिए, ये पूरा का पूरा परिवार वहीं भीख मांगता था। तो अब कहाँ चला गया भीख मांगने, जोधपुर? मैंने सुना है बाड़मेर गए हैं। इस पगली की बड़ी बहन है ना साहिरा, उसका पति है रिजवान, वो मेरी तरह बोतलें और डब्बे उठाता था। इसकी माँ का नाम कुछ नादिरा और पिता का नाम इनायत था। सर, मुझे लगता है फैमिली बाड़मेर में ही होगी। गली गली में घुसो बाड़मेर की। निधि अवंतिका, तुम एकदम करेक्ट। रुखसार ने जैसलमेर और बाड़मेर इसलिए कहा क्योंकि वो इन दोनों शहरों से कनेक्टेड है। ये लोग पहले जैसलमेर में रहते थे, उसके बाद बाड़मेर शिफ्ट। सर, रुखसार का अगला सिग्नल था उसके रेपिस्ट को लेकर। आई एम श्योर आइसक्रीम का कोई कनेक्शन है। बाड़मेर में हो शायद कोई आइसक्रीम वाला, शायद उसकी फैमिली बता सके। तेरे बच्चों को दुआ मिले, दे 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 दे, गरीब अपना पेट भरेगा। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे कबाड़ दे दो, कबाड़ी वाला कबाड़ दे दो, कबाड़ी वाला। अनिल भाई, एक समोसा दो। तेरा नाम नदीरा है ना?
इसे जानती है? तू है कौन? मैं जो भी हूँ, तू ये बता, तू इसे जानती है ना? ये तेरी बेटी रुखसार है ना? काय बके है तू? तुझे पता है ना क्या हुआ तेरी बेटी के साथ? कहाँ है तेरी बेटी रुखसार? अपनी कब्र में है, मर चुकी है रुखसार। हम आखिरकार रुखसार की मां नादिरा तक पहुंचे, जो कह रही थी कि उसकी बेटी रुखसार इस दुनिया में है ही नहीं। इस केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले मोड़ आए। रुखसार का रेप उसके साथ हुआ इकलौता हादसा नहीं था, उसकी पीड़ा का पिटारा भरा पड़ा था जो हमारे सामने खुला, और हमने ठान ली थी कि हम रुखसार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ये हमने कैसे किया? इस कहानी ने कितने साधारण लोगों से असाधारण हीरोइक काम करवाए? रुखसार के गुनेगार की तलाश हमें कैसे और कहां ले गई? किस तरह पर्दाफाश हुआ रुखसार के गुनेगार का? ये हम कल के एपिसोड में आपके समक्ष रखेंगे। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।